उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दूल्हे को नागिन डांस महंगा पड़ गया। दूल्हे पर शराब की ऐसी खुमारी छाई कि लगा फ्लोर पर डांस करने, यहां तक कि अपनी होने वाली पत्नी की भावनाओं का भी नहीं रखा ख्याल और ना ही लोक लाज का लिहाज किया। दूल्हे की ये हरकत दुल्हन को इस कदर नागवार गुजरी कि दरवाजे पर आई हुई बारात को उसने बेरंग लौटा दिया। बताया जाता है कि दुल्हा शराब पीकर शादी समारोह में पहुंचा था। शादी के मंडप में डीजे की धुन पर उसके दोस्त डांस कर रहे थे। दूल्हा जैसे ही वहां से गुजरा, डांस फ्लोर पर उसके दोस्तों ने उसे अपने साथ शामिल कर लिया। शराब के नशे में धुत दूल्हा भी नागिन डांस पर थिरकने लगा। जब दुल्हन के परिजनों ने उसे डांस फ्लोर से हटाने की कोशिश की तो दूल्हा उनसे दुर्व्यवहार करने लगा, लेकिन किसी तरह वधु पक्ष ने मामले को संभाल लिया। हद तो तब हो गई जब दूल्हा दुल्हन को माला पहनाने की रस्म शुरू हुई। इसी बीच दूल्हा फिर डांस फ्लोर पर आकर नागिन डांस करने लगा। होने वाले पति का ऐसा रवैया देखकर दुल्हन अपमानित महसूस करने लगी। आखिरकार दूल्हे के रवैये से आहत दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद बारातियों के बीच हड़कंप मच गया। दूल्हा के परिजनों ने दुल्हन को मनाने की कोशिश की, समाज में अपनी बेइज्जती का हवाला दिया, लेकिन दुल्हन अपने फैसले पर टस से मस्त नहीं हुई। दुल्हन के अड़ियल रवैये पर दूल्हे ने दुल्हन को थप्पड़ रसीद कर पुलिस को बुला लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने पुलिस से सुलह के जरिए मामले को सुलझाने की गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। हालांकि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। दूल्हा पक्ष शादी में होने वाले खर्च को देने को तैयार है।